स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्रूस पे। गाइस आज की इस वीडियो में जो है हम करने वाले अनबॉक्सिंग, और गाइस आज है हमारे पास Lenovo का IdeaPad Gaming 3i, तो इसी की करने वाले आज हम अनबॉक्सिंग। सो गाइस चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पास हमारा Lenovo का IdeaPad Gaming लैपटॉप, और इसको जो है मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूं। कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, और अगर मैं बात करूं अब इसकी पैकेजिंग के बारे में, सो गाइस ये पैकेजिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर भी हमें जो है हार्ड फोम देखने के लिए मिल जाता है, जैसे आपका जो लैपटॉप है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। सो गाइस अब मैं जो हूँ इस लैपटॉप को आपको बाहर निकल के दिखा देता हूँ कि अभी जो लैपटॉप है ये किस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पे लैपटॉप को मैं साइड में रख देता हूँ, और जो इसमें बॉक्स कॉन्टेंट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको एक इसका सेटअप गाइड देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है सबको एक Lenovo की तरफ से ही आने वाला एक RGB माउस भी देखने के लिए मिल रहा है, तो ये इसमें लगता है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट टाइप में दिया हुआ है आपको। और अगर मैं बात करूँ इसके और अंदर बॉक्स में, तो बॉक्स में आपको इसके साथ ही साथ मिल रहा है आपका एक चार्जर, तो देख सकते हैं 135 वाट का आपका चार्जर है गाइस ये, और इसका चार्जिंग केबल। बस बॉक्स में आपको इतना ही देखने के लिए। गाइस मैंने जो है बॉक्स वगैरह को साइड में रख दिया है, और मैं अब जो है आपको दिखा देता हूँ ये लैपटॉप के जो है इसके लुक्स, लैपटॉप कैसे दिखता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा गाइस लैपटॉप अंदर से, देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन जो है काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, काफ़ी शानदार डिज़ाइन है। गाइस ये है हमारे यहाँ पे आप लैपटॉप देख सकते हैं Lenovo की तरफ से आने वाला IdeaPad Gaming 3i का। और अगर मैं इसके पोर्ट्स के बारे में बात करूँ गाइस, सबको इस तरफ में जो है देखने के लिए मिल जाता है कि USB पोर्ट, एक जो है आपको HDMI केबल का पोर्ट देखने के लिए मिल जा रहा है, साथ ही साथ गाइस आपको इथरनेट का भी आपको जो है वो पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, और एक 3.5mm जैक भी आपको देखने। बैक साइड की बात करूँ इस लैपटॉप के, तो यहाँ पे आपको IdeaPad Gaming जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी कूल सा लगता है। और अगर मैं बात करूँ दूसरी साइड के बारे में, तो आपको इस तरफ में एक और जो है वो USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और नीचे की तरफ तो ये ऐसे में आपको देखने में मिल जा रहा है। ऐसे यहाँ पे आपको Lenovo ब्रांड का जो है वो टैग देखने के लिए मिल जाता है। अब जो है गाइस मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक और एक जो है शीट देखने को मिल रही है हमें ब्लैक कलर की, और ये है अंदर से गाइस इसका लुक आप देख सकते हैं। गाइस ये है हमारे यहाँ पे लैपटॉप, आप देख सकते हैं ये लैपटॉप जो है गाइस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है इंटेल का कोर i5 का प्रोसेसर, साथ ही साथ गाइस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है एक 16.5 इंच का फुल IPS LCD जो है वो डिस्प्ले भी। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके जो है वो ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है NVIDIA का GeForce GTX 1650 Ti। और अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें, तो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा गाइस 1TB का जो HD प्लस 256GB का SSD भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस मैं चलिए अब इस जो लैपटॉप को है वो बूट करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं अब इसके जो लैपटॉप है इसके आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि आपको इसमें जो है वो क्या देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे आपको डिवाइस स्पेसिफिकेशंस में जो है प्रोसेसर में आपको देखने को मिल जाता है i5 का यहाँ पे, जो कि 2.50 GHz पे जो है रन करता है। साथ ही साथ गाइस इसमें रैम जो है वो 8GB जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, और इसमें जो है हमें ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें गाइस मैं आपको बात करूँ अगर एडिशन के बारे में, तो इसमें आपको जो है OS वो विंडोज 10 का। गाइस मैंने आप YouTube पे जो है कौशारिका का ये वीडियो लगा दिया है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस आपको लैपटॉप में जो किस तरह की ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस इस वीडियो को देखिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसमें कैसी लगी इसकी वीडियो क्वालिटी। गाइस अगर मैं आपको बात करूं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, तो ये जो लैपटॉप है बहुत ही अच्छा लैपटॉप है गाइस, ये गेमिंग लैपटॉप है और काफी अच्छे प्राइस रेंज में भी आ जाता है। अगर मैं बात करूं इसके MRP की, तो बॉक्स पे आपको इसके MRP 1,14,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाती है, पर अगर आप इसको बाय करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको 73,000 to 74,000 के बीच में पड़ जाएगा। और गाइस इसके साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री जो माउस मिला है ये भी काफी अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको चाहिए तो आप किसी वायरलेस माउस के साथ भी जा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए 70,000 to 80,000 के बीच में, और गेमिंग लैपटॉप चाहिए स्पेशली जिसमें आपको गेमिंग भी करना हो, तो आप इस लैपटॉप के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। Lenovo है, ब्रांड भी काफी अच्छा है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं गाइस। सो गाइस वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कोई भी डाउट है इस लैपटॉप के बारे में, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों।